नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज। नाम क्या? मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए और हम बात करेंगे उन अटल बिहारी वाजपेयी की। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो पूरी चुनावी सभाओं के दौरान ना तो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र हुआ और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ना ही तीन मुख्यमंत्रियों ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, ना ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूरत समझी कि उस महामना का जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस देश में स्टैंड किया है उसका जिक्र कर ले। इन तमाम चीज़ों के बीच में मोदी के जो समर्थक हैं वो मोदी के मिलियनों फॉलोअर्स की गिनती बताते रहे और उनकी योजनाएं गिनाते रहे, लेकिन असलियत में हिंदुस्तान में जिस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड किया है ना तो उसका जिक्र होता है ना ही उनका नाम लिया जाता है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि भारतीय जनता पार्टी फॉलोवर्स से नहीं बल्कि उससे चलती है जिससे देश चलता है, और तमाम तारीखें इस बात की गवाही देती है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के दिलों में आज भी बसते हैं। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। जिस दिन इस हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था उस दिन ऐसा लगा कि अटल जी की कलश यात्रा निकालकर 15 सालों में उपजी एंटी इनकम्बेंसी को अटल की तस्वीर से सत्ता के खिलाफ नाराजी भाजपा खत्म कर देगी। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के दौरान भाजपा की तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तो दूर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह गवारा भी न समझा। उनका चुनावी कैंपेनों में थोड़ा जिक्र कर लें। देश की राजनीति में जब कांग्रेस दमदारी से सरकारें चलाती थी तो उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जनसंघ को जिंदा रखे थे। आज अटल जी नहीं हैं तो उसी भाजपा का जनता के बीच में क्या हश्र हो रहा है यह देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही से एक बेहद सॉफ्ट लीडर और मेहनत करने वाले शिवराज सिंह चौहान की राजनीति किस मुहाने पर आ गई है? पुराने नेता लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हाल है कोई पूछने वाला नहीं। मोदी को कौन समझाए? आज आपकी एक गलत हरकत ने सिंधी समाज नहीं बल्कि ऐसी कई वोटों को भाजपा से दूर कर दिया जिसकी दम पर एक बेहद सुरक्षित वोट भाजपा को मिलती रहती थी। मोदी के मन में क्या है? क्यों इस देश में अमित शाह जैसे लोग फ्रंट पर आकर अचानक भाजपा की तरफ से राजनीति के चाणक्य बन जाते हैं और इस देश के प्यारे से अटल और भाजपा की इस देश में अलख जगाने वाले आडवाणी जी उसी पार्टी से दूर और बहुत दूर चले जाते हैं। इस देश में आज भी एक ऐसा बड़ा तबका है जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का मुरीद रहा है। उनके व्यक्तित्व को लेके आज भी वह उनके करीब है। उसे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से लेके उनकी भाजपा के प्रति मेहनत भी याद है। जब भाजपा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के दौरों से गुजर रही थी वहीं भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी से नाराज चल रहा था तब उसी भाजपा ने अपनी सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारी तस्वीर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर चुनावों से क्यों दूर रखी? अगर उसकी तस्वीर होती तो तीनों राज्यों में भाजपा को दम मिलती, उससे नाराज कार्यकर्ता उसके पास आ जाते। जानकार बताते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री थे तब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी बिगड़ गई थी क्योंकि अटल हिंदुत्व के नहीं बल्कि देश की आदतों के आधार पर नरेंद्र मोदी को सत्ता चलाने की बात कह रहे थे, लेकिन मोदी थे कि उनकी मान ही नहीं रहे थे। ऐसे में अटल जी उनके लिए कोई फैसला लेते आडवाणी मोदी को बचाने में आगे आए और मोदी बच गए। वक्त दर वक्त मोदी मजबूत होते गए।
वो देश के वजीर आजम बन गए। प्यारे से अटल और सिद्धांतवादी नेता आडवाणी को मोदी की तानाशाही ने घर बैठा दिया। मोदी के समर्थक हिंदुत्व का नारा देकर मोदी को हिंदुत्व का कट्टर बताते रहे हैं, लेकिन जिन अटल ने जिन आडवाणी में हिंदुत्व पलता था वो दूर हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए। आज मोदी के मिलियनों फॉलोवर्स हैं, वो चर्चित नेता है, लेकिन मोदी और अमित शाह को यह कौन बताए, अटल बिहारी वाजपेयी के संख्याओं में नहीं बल्कि उनका देश ही फॉलोवर्स था। खुद कांग्रेस 60 साल में जिस अटल की शख्सियत और उनके राजनीतिक जीवन पर उंगली नहीं उठा पाई, ऐसे अटल का पूरा देश मुरीद था और आज भी है। ऐसे में भाजपा के मोदी ने अटल और आडवाणी से दूरी बनाकर कहीं देश से दूरी तो नहीं बना ली। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। 2018 के चुनाव हो गए नहीं, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया, ना ही कहीं लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा हुई। मुझे दुष्यंत कुमार बड़े याद आते हैं, उनका एक शेर भी है, पेड़ पौधे बहुत हैं बौने तुम्हारे, रास्तों में एक बरगद भी नहीं। तो कहा भी जाता है जिस पार्टी में जिस परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं वो पार्टी ज़्यादा चला नहीं करती। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, किसी और खबर में किसी और मुद्दे में आपके साथ होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।